Watching my video. Today in this video we are going to learn changing sentences. How do we change sentences? Simple into negative, negative into interrogative. तो शुरुआत करते हम पहले हम आज इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस के जो है सारे जो चारों पार्ट्स हैं उनके सेंटेंसेस कन्वर्ट करना सीखते हैं. पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम सिंपल अर्थात अफर्मेटिव से नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाएं तो हेल्पिंग वर्ब डू प्लूरल के साथ में और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग करते हैं. तो हमें पहचान कैसे होगी अगर कोई सिंपल सेंटेंस है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है. जब सेंटेंस में डू या डज लगा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है. अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है. तो चलिए कैसे सेंटेंस जो चेंज करें प्रेजेंट इंडेफिनिट में. जैसे मैंने लिखा सेंटेंस आई रन, इसका नेगेटिव बनाना है. नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाए प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो डू प्लूरल के साथ में और डज सिंगुलर के साथ में अवश्य लगाना ही लगाना है. तो आई रन इसका नेगेटिव, आई डू नॉट रन. और इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दो. तो डू और जब हम आई का इंट्रोगेटिव बनाए तो आई को यू में चेंज कर देते हैं. डू यू रन और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो. ऐसे ही सिंगुलर है, मैंने कहा ही रन्स, इसका नेगेटिव ही डज नॉट रन. ही सिंगुलर इसलिए डज लगाएंगे, ही डज नॉट रन और डज आ जाए तो ऐसे ही हटा देते हैं. ही डज नॉट रन और इसका नेगेटिव, इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम डज को पहले लगा देंगे. डज ही रन और क्वेश्चन मार्क, डज ही रन और क्वेश्चन मार्क. अगर कोई क्वेश्चन वर्ड लगाना है तो डज से पहले लगा दो. व्हेन डज ही रन, व्हाई डज ही रन, ऐसे भी हम बना सकते हैं. और कुछ सेंटेंस बनाते हैं जैसे मैंने कहा दे फाइट विद ईच अदर, इसका नेगेटिव बनाना है तो दे डू नॉट फाइट विद ईच अदर. इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू दे, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, डू दे फाइट विद ईच अदर. और जब हम इंट्रोगेटिव से और सिंपल बनाए, इंट्रोगेटिव से हम सिंपल या अफर्मेटिव बनाए तो हम हेल्पिंग वर्ब को हटा देते हैं. अर्थात जो है हम यस में या जैसे भी हम जवाब देना चाहें वो हम जवाब दे दें. जैसे मैंने कहा डू दे फाइट विद ईच अदर, इसका जवाब दे दो, दे फाइट विद ईच अदर. नेगेटिव में बनाना है तो दे डू नॉट फाइट विद ईच अदर. ऐसे जैसे कि आपसे कोई क्वेश्चन करे, इंट्रोगेटिव उसने दे दिया डू यू रीड, इसका जवाब दे दो आप, आई रीड, तो आपने ये जवाब किस में दिया, अफर्मेटिव सिंपल में. और नेगेटिव में वो कह रहा है नेगेटिव में चेंज करो तो आई डू नॉट रीड, ये नेगेटिव बन गया. तो इस तरह से हम चेंज करेंगे. और जिस सेंटेंस में ऑलरेडी कोई हेल्पिंग वर्ब है तो वही हेल्पिंग वर्ब रहती है. जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, मैंने सेंटेंस लिखा आई एम रनिंग, रनिंग नेगेटिव बनाओ, आई एम नॉट रनिंग इंट्रोगेटिव बनाओ तो यू में चेंज करेंगे आई को तो यू के साथ में आर आता है, आर यू रनिंग. और डबल इंट्रोगेटिव बनाना चाहे, डबल इंट्रोगेटिव वो होता है जब हम क्वेश्चन मार्क लगा दें. ऐसे व्हेन आर यू, व्हाई आर यू रनिंग, ऐसे क्वेश्चन बना देंगे क्वेश्चन वर्ड लगा के, ये डबल इंट्रोगेटिव बन गया. Why are you running? Question word लगा दिया तो double interrogative बन गया है. ऐसे मैंने लिख दिया he is sleeping, negative बनाओ, he is not sleeping, interrogative, is he sleeping, double interrogative, why is he sleeping, why लगा दो, उस सब में जो सेट हो जाता है why question word, आप लगा सकते हैं. Present perfect में has have आता है तो इसका जो मैंने कहा I have completed my work, negative, I have not completed my work. इंट्रोगेटिव हैव यू कम्प्लीटेड योर वर्क, आई को यू में चेंज कर देंगे हम. ऐसे ही सिंगुलर है कोई, मैंने कहा माय ब्रदर हैज गॉन टू मार्केट, नेगेटिव माय ब्रदर हैज नॉट गॉन टू मार्केट. इंट्रोगेटिव हैज माय को योर में चेंज कर दो, हैज योर ब्रदर गॉन टू मार्केट. और इंट्रोगेटिव से सिंपल में माय ब्रदर हैज गॉन टू मार्केट जवाब देते हुए वो सिंपल में चेंज हो जाएगा. ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन होता है तो इसमें जो नेगेटिव बनाएंगे तो हैज या हैव प्लस बीन, इन दोनों के बीच में नॉट लगाएंगे हम. जैसे मैंने कहा आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स तो इसका नेगेटिव आई हैव नॉट बीन, हैव और बीन के बीच में नॉट लगाएंगे. आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब पहले लगाओ, हैव और आई को यू में चेंज कर देंगे, हैव यू बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, इसका हमने इंट्रोगेटिव बना दिया. अगर वो इंट्रोगेटिव भी नेगेटिव में बनवाना चाह रहा है
तो हम बीन से पहले नॉट लगा देंगे. हैव यू नॉट बीन, हैव यू नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, इस तरह से बन जाएगा. अगर कोई सिंगुलर है, जैसे उसने कहा मोहन, मोहन हैज बीन स्लीपिंग फॉर लॉन्ग, नेगेटिव बनाओ मोहन हैज नॉट बीन स्लीपिंग फॉर लॉन्ग. इंट्रोगेटिव हैज मोहन बीन स्लीपिंग फॉर लॉन्ग, और इंट्रोगेटिव में नेगेटिव हैज मोहन नॉट बीन स्लीपिंग फॉर लॉन्ग. ऐसे ही अगर कोई ये पूछे इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव बनाओ, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाओ, तो फिर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देंगे. जैसे हमें किसी से क्वेश्चन करना है कि क्या आप दौड़ते नहीं हो, तो डू यू नॉट रन. ये कैसा बना हमारा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना ही. और कैसा भी सेंटेंस आपको चेंज करवाना है प्रेजेंट में, तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं. और ऐसे ही जो आगे जो पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, ऐसे ही सारे हम चेंज करते हैं. अगर नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगा दो, पर इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दो और क्वेश्चन मार्क, वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा. तो अगर कोई भी कैसी भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं. इस वीडियो हमने इतना ही सीखा. थैंक यू.